छावनी चौक से वैशाली नगर के बीच बने गौरव पथ में कैंप 1 वार्ड नंबर 29 वृंदानगर गौरव पथ के समीप नालियों में हुए अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई की गई। दुकानदारों और रहवासियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को जेसीबी से हटाकर नालियों में वर्षों से जमे कचरे और गंदगी को बाहर निकाला गया। वैशाली नगर गौरव पथ के किनारे स्थानीय रहवासियों और दुकानदारों द्वारा निकासी के लिए बनाई गई नालियों पर अतिक्रमण कर स्लैब ढाल दिया गया था, जिससे गंदे पानी की निकासी बाधित होने के साथ यहां वर्षों से जमा हुआ कचरा लोगों की परेशानी का कारण बना हुआ था। नालियों की सफाई नहीं होने से यहां बीमारियों के फैलने का अंदेशा बना हुआ था। वहीं नालियों पर अतिक्रमण किए दुकानदार अपना कब्जा हटाने को तैयार नहीं थे। इसे देखते हुए वृंदानगर वार्ड 29 के पार्षद संजय सिंह द्वारा घर घर जाकर और कब्जा किए दुकानदारों के संस्थानों में जाकर उन्हें कब्जा हटाने की समझाइश दी गई और इस कार्य में अपना सहयोग देने की अपील की गई। इसके फलस्वरूप गौरव पथ से लगे दुकानदारों द्वारा अपनी दुकानों के समीप नालियों पर बनाए गए अतिक्रमण को हटाने सहमति प्रदान की गई, जिसके बाद सोमवार को नगर निगम जोन 2 कार्यालय का अमला पूरे लाव लश्कर के साथ मौके पर पहुंचा और नालियों में हुए अतिक्रमण को जेसीबी से तोड़कर नालियों की सफाई की गई। सफाई के दौरान कई ट्रकों में गंदगी और कचरे को भरा गया। नालियों की सफाई होते ही गंदे पानी की निकासी होनी भी आरंभ हो गई। मौके पर मौजूद कार्य की जानकारी नगर निगम वार्ड 29 के पार्षद संजय सिंह ने दी। ये पूरा सफाई हो रहा है, 10 सालों से सफाई नहीं हुआ था वार्ड 29 में और लोगों द्वारा अधिक्रमण हो गया था पूरे वार्ड में, लेकिन अभी लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है, निगम से भी सहयोग मिल रहा है। पूरा कचरा आप देख सकते हैं चारों तरफ, 10 साल 12 साल से कभी सफाई नहीं हुआ था, आज सभी का सहयोग के साथ पूरी सफाई हो गई। नहीं, हमारे वार्ड के अभी जितने भी लोग हैं यहाँ पे, पूरा सहयोग मिला उनका, उनके सहयोग से इतना बड़ा काम हो रहा है। गंदी नालियों में घुसकर सफाई कर रहे सफाई कर्मचारियों को सफाई ठेका कंपनी द्वारा किसी भी तरह के सुरक्षा उपकरण मुहैया नहीं कराए गए हैं, जिससे गंदगी में लंबे समय तक रह रहे इन कर्मचारियों की बीमारियों के चपेट में आने का अंदेशा बना हुआ है। सफाई कर्मचारियों के पास ना तो दस्ताने हैं और न ही ग्लव्स। नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी यह सब देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं।